नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जी दोस्तों, जो 25 और 26 अक्टूबर को होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और 18 नवंबर को होने वाली ग्राम पंचायत अधिकारी की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसमें हम अगला अपना सीरीज के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए समय ना गंवाते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज पे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग सही देख रहे हैं और करेंट से भी इसको जोड़ सकते हैं। और पराक्रम पर्व जो भारत ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक के उपलक्ष्य में मनाया गया, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया और किसके द्वारा किया गया, ये भी मैं आप लोगों की तरफ से जोड़ दे रहा हूँ। आप लोगों के सामने एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। पराक्रम पर्व जो भारत ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके उपलक्ष्य में मनाया गया, उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया और किसके द्वारा किया गया। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, जोधपुर, जयपुर, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। जी आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो जोधपुर है। और ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और ये जोधपुर, राजस्थान के शहर जोधपुर में इसका उद्घाटन हुआ था। उसके बाद चलिए चलते हैं हम अपने अगले डिस्कशन पर। दोस्तों, अगर आप हमसे अगर फेसबुक पर जोड़ना चाहते हैं तो ये है हमारे प्रोफाइल की, जो फेसबुक की प्रोफाइल की पिक जिस पे गांधी जी की फ़ोटो लगी है और जो शांति का जो नोबल प्राइज़ मिला है जी नदिया मुराद और मुखबेबे को, डॉक्टर मुखबेबे को, इनकी प्रोफाइल पिक लगी है। और मेरा नाम अजीत कुमार है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इस समय हमारे पास 449 फ्रेंडों की लिस्ट है, तो आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं समय न गवाते हुए अपने अगले डिस्कशन पर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है जी, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। जी आपके सामने सही क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, फूलों का, गेहूं का, आलू का या फिर गन्ने का। जी तो आप लोगों का जो इसका सही आंसर है वो है फूलों का। उत्तर प्रदेश फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। आप लोगों को पहले से पता है कि उत्तर प्रदेश गेहूं में प्रथम उत्पादक है, आलू का प्रथम उत्पादक है, गन्ने का प्रथम उत्पादक है, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जौ का प्रथम उत्पादक है। जो हमारा पहला वाला वीडियो था उसमें सब कुछ मेंशन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वन। उसके बाद चलिए चलते हैं हम अपने अगले डिस्कशन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है जी, कृषि से रिलेटेड है और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल। जी नकदी फसल का मतलब होता है जैसे कस्टमाइज फसल, यानी कि जैसे आप लोगों के पास में हो गई, जैसे तुरंत बेचें और तुरंत पैसा मिल जाए। तो उसमें आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, आलू, गन्ना, मेथी, सरसों। जी आपके सामने चार ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की नकदी फसल। तो उत्तर प्रदेश की जो नकदी फसल है वो है गन्ना। तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि नकदी फसल क्या होती है। जी नकदी फसल वो होती है जिसके उत्पाद या फिर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जाए और उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता है, उसे नकदी फसल कहते हैं। जैसे आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, जैसे गन्ना, गन्ना से चीनी बनती है, उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, ये नकदी फसल हो गई। जैसे कहवा यानी कि कॉफ़ी, इसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, नकदी फसल हो गई। चाय, ये नकदी फसल है। उसके बाद कपास एक नकदी फसल है। आप लोग दुग्ध डेयरी का भी, डेयरी प्रोडक्ट को भी ले सकते हैं, ये भी नकदी फसल है। उसके बाद चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला डिस्कशन का पार्ट है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। जी या फिर स्रोत है, आप लोग देख सकते हैं, नहर, तालाब, नलकूप या फिर कुआँ, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है नहर। जी उत्तर प्रदेश में नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। पश्चिम प्रदेशों में नहरों की बहुत बड़ी एक लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शहर है। उसके बाद गंडक से निकलने वाली नहर, उसके बाद शारदा नदी से निकलने वाली नहर, घाघरा नदी से निकलने वाली नहरें हैं। तो आप लोग इन सब नहरों को देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हेक्टेयर में उत्तर प्रदेश की भूमि को सिंचित करती हैं वो नहरें सिंचित करती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नहर। उसके बाद चलिए चलते हैं हम अपने अगले डिस्कशन पे। जो हमारा अगला डिस्कशन है, आप लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से कुछ फैक्ट के बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद। जी आप लोग, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद गौतम बुद्ध नगर। जी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है और इसका जो जिला मुख्यालय है वो नोएडा में है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्रेटर नोएडा इसी जिले के अंदर आता है और इसका जिला मुख्यालय नोएडा में है और ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला
ज़िला है, और सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल का ज़िला है वो है लखीमपुर खीरी। जी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद आप लोगों को बता दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनजातियों वाला ज़िला, जी सर्वाधिक जनजातियों वाला जो ज़िला है वो है सोनभद्र। उसके बाद अगला जो है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो है थारू। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस से लेके उत्तर प्रदेश के हर एग्जामों में आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन को मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश के सेंसस से भी रिलेटेड है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए चलते हैं हम अपने अगले डिस्कशन पर। हाल ही में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश में जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा परीक्षा जो व्यापम या फिर कह सकते क्षेत्रीय कल्याण के लिए, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है लखनऊ में खाली स्थान है क्षेत्रीय केंद्र को प्रमोट प्रिंट मेकिंग तथा मूर्ति कला मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। ये आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें खाली स्थान भरना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ललित कला एकेडमी। जी ललित कला एकेडमी जो है इसमें क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग मूर्ति कला मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों कलाकारों को सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है जो है ललित कला अकादमी। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है बी। और ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश के हाल ही में युवा कल्याण की परीक्षा में आया हुआ है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए चलते हैं हम अपने अगले डिस्कशन पे। हमारा जो अगला डिस्कशन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि बीसीसीआई से रिलेटेड है। क्रिकेट के जानकार लोग जानते हैं बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है जो भारत के क्रिकेट को गवर्न करती है। तो भारत में, जी भारत में खाली स्थान है क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP के साथ एक आशय पत्र यानी कि LOI आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। वो आशय पत्र क्या था? जी तो ये आशय पत्र था हरा, जी यानी कि ग्रीन क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जो आशय पत्र साइन किया था BCCI ने यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर जो है नैरोबी में इसको साइन किया गया था, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो नैरोबी है, जी आप लोगों को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, नैरोबी है वो केनिया की राजधानी है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसका इन्वायरमेंटल यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है। आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैप में आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, और हम अपने प्यारे भारत से इंडियन ओशियन में जाएंगे, तो इंडियन ओशियन को टच करता हुआ आप लोगों को अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश मिलेगा, वो केनिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको और हम जूम करके दिखाते हैं, तो ये रहा केनिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसकी बाउंड्री किन किन देशों के साथ मिलती है, तो ये देखिए इधर सोमालिया को टच करता है, इथोपिया को टच करता है, युगांडा को टच करता है, तंजानिया को टच करता है, और साउथ सूडान को टच करता है। और ये आप लोग देख सकते हैं नैरोबी, यहीं पे संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंट प्रोग्राम या फिर कह सकते हैं UNEP, जी UNEP का हेडक्वार्टर है, और यहीं पे BCCI, जी जो BCCI है जो भारत की क्रिकेट को गवर्न करती है, इन्होंने दोनों ने मिल के साइन किया और ग्रीन क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साइन किया गया है। आप लोगों को यहाँ पे एक वाटर बॉडी दिख रही होगी, आप लोगों को जहाँ मैं गोला कर रहा हूँ एक वाटर बॉडी दिख रही है, ये है लेक विक्टोरिया। ये तीन देशों में फैली हुई है, आप लोग देख सकते हैं युगांडा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तंजानिया और केनिया में, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, एडिशनल नॉलेज है। उसके बाद चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे या फिर अपने अगले डिस्कशन पे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए चलते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा ये भी एग्जाम में आया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन है जो हमारा नई दिल्ली में आयोजित, जी नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच सम्मेलन में ई गवर्नेंस में उनके उल्लेखनीय काम के लिए निम्नलिखित में से किसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। जी आप लोग ध्यान से देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें से एक लोगों को चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, जो 92वां स्कॉच सम्मेलन का संस्करण था। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, तो इसमें ऑप्शन है आप लोगों को शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज,
उमा भारती, वसुंधरा राजे। आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि शीला दीक्षित इस समय कोई मुख्यमंत्री नहीं किसी भी राज्य की। सुषमा स्वराज इस समय विदेश मंत्री हैं। उमा भारती जी पहले जल संस्थान या गंगा मिनिस्ट्री थी, अब इस समय उनके पास कोई भी मंत्रालय नहीं है। और इसका जो सही आंसर है, आप लोग देख रहे हैं, इसका जो सही आंसर है वो है वसुंधरा राजे जी। राजस्थान की सीएम श्रीमती वसुंधरा राजे जी को इस बार का जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले डिस्कशन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जून 2018 में तुर्की के राष्ट्रपति फिर से चुनाव में जीते और अब तुर्की के इतिहास के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं जी। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, खाली स्थान भरना है, उनमें राष्ट्रपति जी का नाम भरना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सेहल्टीन डेमिटर्स, रिसब तैयब इर्दोगन, मुहर्रम इंस, कुदुल्ला फिदान जी। आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है रिसब तैयब एर्दोगन जी। रिसब तैयब एर्दोगन दूसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं या फिर से चुनाव जीते हैं और इस समय इतिहास में तुर्की के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के तौर पे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले डिस्कशन पे। जो अगला डिस्कशन या फिर कह सकते हैं जो क्वेश्चन है वो इतिहास से रिलेटेड है और मॉडर्न इंडिया से है। तो 28 दिसंबर 1985 को आप लोग ये ध्यान रखिएगा, 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी जी। ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल कहाँ पर है जी? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। तो जी इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा बी यानी कि मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल है और यहीं पे आप लोगों की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसकी जो स्थापना किए थे वो एक अंग्रेज अधिकारी थे, एओ ह्यूम साहब, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, एडिशनल नॉलेज भी आप लोग लेते रहिए। और चलते हैं उसके बाद अपने अगले डिस्कशन पे। हमारा जो अगला डिस्कशन है आप लोग ये भी देख सकते हैं इतिहास से है और मॉडर्न इंडिया से है, क्योंकि 1885 से लेके 1905 के बीच का है। तो आप लोग इसमें देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले प्रारंभिक चरण को जी, पहले प्रारंभिक चरण को कहा जाता था। आपके सामने चार ऑप्शन है, अंतिम, आरंभिक, मध्यम, संकटपूर्ण जी। तो ये जो चरण चल रहा था 1885 से लेके 1905 तक जी, आप लोग देख सकते हैं 1885 से लेके 1905 के बीच में जो भारतीय राष्ट्रवाद का जो आंदोलन चल रहा था वो एक मॉडरेट आंदोलन था जी, मॉडरेट आंदोलन था। इसमें जो लीडर थे उस समय दादा भाई नेहरोजी जी थे और विभिन्न लीडर थे, आप लोग जान सकते हैं। इस समय गांधी जी नहीं थे, गांधी जी ने जो राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे वो 1915 में तो इंडिया आए थे, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे, 1924 में इन्हें क्या नाम है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था बेलगांव के सम्मेलन में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी यानी कि मध्यम चरण था। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अब चलते हैं उसके बाद हम अपने अगले डिस्कशन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी मॉडर्न इंडिया से ही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना खाली स्थान है में की थी जी। आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है, दिसंबर 1920 में, मार्च 1918 में, फरवरी 1919 में, या फिर कह सकते हैं अप्रैल 1921 में। तो इसका जो सही आंसर है मार्च 1918 में, जो सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई थी वो मार्च 1918 में हुई थी और सत्याग्रह आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1917 में हुआ था। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, 1917 में सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था और मार्च 1918 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। तो उसके बाद चलते हम अपने अगले क्वेश्चन। खाली स्थान दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सुधारों के आंदोलन जी, आंदोलन शुरू करने वाले भारत के पहले नेता या फिर कह सकते हैं भारत पहले भारतीय थे। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राम मोहन राय, आनंद चरलू, महात्मा गांधी जी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है
राजा राम मोहन राय जी जो बंगाल के निवासी रहने वाले थे और इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और भारत के राजनीतिक सुधारों के लिए सर्वप्रथम इन्हीं ने आंदोलन शुरू किया था और इन्होंने समाज के लिए काफ़ी कुछ काम किया था। आप लोग इसको भी ध्यान रखेगा तो इसका जो सही आंसर है वो है राजा राम मोहन राय जी। भारतीय राजनीति के सुधारों में पहला आंदोलन शुरू किए थे। उसके बाद चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, समय न गवाते हुए, समय हमारे पास बहुत कम है, 26 तारीख को पेपर है हमारा। इतिहास से क्वेश्चन है जी, आप लोग देख सकते हैं 1917 का जो खाली स्थान है सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का में एक बड़ा विद्रोह कह सकते हैं वो कहाँ पर शुरू हुआ था जी। आप लोग देख सकते हैं खेड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन या फिर चंपारण जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी द्वारा 1917 में बिहार राज्य में शुरू किया गया था जिसमें नील की खेती का विरोध किया गया था। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है डी। और उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ, जो खेड़ा आंदोलन है ये सरदार पटेल जी से रिलेटेड है और इसी आंदोलन में जी नहीं, ये आंदोलन जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड है और ये आंदोलन जो है वो गुजरात में हुआ था, माफ़ करिएगा गलती से मैं बोल दिया था, सरदार पटेल जी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में शुरू हुआ था जो राउंड टेबल मीटिंग के बाद इसको वापस ले लिया गया था। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन खेल से रिलेटेड है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान जी, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान खाली स्थान दिया गया अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच में सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने जी। आपके सामने चार ऑप्शन है, सुब्रत पाल, सुनील छेत्री, भाईचुंग भूटिया और गुरप्रीत सिंह। जो इसका जो सही आंसर है वो है सुनील छेत्री जी। सुनील छेत्री ने गोलों की जो संख्या है वो लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी उनके साथ गोलों की संख्या को बराबर करके संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है सुनील छेत्री। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में आप लोग देख सकते हैं संसद द्वारा पारित किया गया लॉ जिसमें 12 वर्ष से कम बच्चियों के साथ अगर दुर्व्यवहार या फिर कह सकते हैं रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्ति को मौत की सज़ा दी जा सकती है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं हरियाणा विधानसभा में सर्वसम्मति से आपराधिक कानून हरियाणा संशोधन 2018 विधेयक पारित किया गया जी, जिसमें कितनी कम उम्र यानी कि देख सकते हैं इसमें खाली स्थान दे के उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषी पाए जाने अभियुक्तों को मौत की सज़ा का प्रावधान है। तो जी ये जो उम्र का जो तकाजा दिया गया है ये 12 साल दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं 12 साल से कम की बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार करेगा यानी कि जो रेप जैसी या फिर कह सकते बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देगा जो एक बहुत ही घृणित काम है हमारी सोसाइटी में, अगर उसको वो काम करेगा तो उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। और इसका जो सही आंसर है वो है बी यानी कि 12 साल, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 1966 में भारत के संदर्भ में जी, आप लोग देख सकते हैं इसमें भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, दादा भाई नेहरूजी, उसके बाद महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, जवाहरलाल नेहरू जी। आप लोगों के सामने थोड़ा सा मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिससे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। देखिए जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी हो ही नहीं सकते क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था तो उससे पहले ये घटना हो चुकी थी। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी से छोटे थे तो ये भी नहीं हो सकते। बिपिन चंद्र पाल बहुत बाद के हैं यानी कि 1900 लाला लाजपत राय और इन समय के हैं तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है दादा भाई नेहरू जी। महाराष्ट्र के
ताल्लुक रखने वाले जी, उस समय बम्बई राज से ताल्लुक रखने वाले दादा भाई नेहरूजी ने भारतीय कल्याण के लिए सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया था। इसका जो सही आंसर है वो है दादा भाई नेहरूजी। जी सही आंसर है दादा भाई नेहरूजी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की, जी आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। जी आप लोगों को पहले से ही मालूम है, एक बार और मैप में मैं आप लोगों को और अच्छे से डिस्कशन कराऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है, तो आप लोगों को पहले मैप दिखा देता हूं, उसके बाद आंसर सीधे सीधे पता चल जाएगा। तो आइए चलते हैं वर्ल्ड मैप में। अपने भारत राज्य में, अपने प्यारे भारत में अगर देखेंगे तो एक खूबसूरत सा राज्य आप लोगों को दिखाई देगा। थोड़ा सा और आप लोगों के सामने जूम कर दे रहा हूँ इस खूबसूरत राज्य को। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, और आप लोग ये भी देख सकते हैं किन किन राज्यों को छूता है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसमें पॉइंट आउट करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड को छू रहा है, यहाँ पर हरियाणा को छू रहा है, ये दिल्ली को भी टच करता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राजस्थान को भी टच करता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश को टच करता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश को, यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ को टच करता है, झारखंड को टच करता है, बिहार को टच करता है। तो आप लोग देख सकते हैं 8 राज्यों को टच करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 राज्यों को टच करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोग इसमें देख सकते हैं ये कहीं भी उड़ीसा को नहीं टच करता है, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि उड़ीसा को नहीं टच करता है। तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ में है। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट शहरों को भी दिखा रहा है, कानपुर है यहाँ पर, इलाहाबाद है, जौनपुर है। तो अब चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा जो क्वेश्चन है आप पहले से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को आंसर। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग देख सकते हैं उड़ीसा। उड़ीसा को उत्तर प्रदेश टच नहीं करता है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को टच करता है, एक केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है, जो आप लोगों को पहले से ही मालूम है, मैप में क्लियर है। उसके बाद चलिए चलते हैं, हम समय ना गवाते हुए अपने क्वेश्चन। भारत जी खाली स्थान, उसके बाद झील, जी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं झील है, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जी आप लोग देख सकते हैं कौन झील, झील का नाम दिया गया है और उसमें खारे पानी की झील भारत की सबसे बड़ी झील है। जी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है, डल झील, चिल्का झील, बुलर झील, डिंडवाना झील, जी तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चिल्का झील। जी चिल्का झील है खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। आप लोगों को ये पहले से मालूम है। उसके बाद आप लोगों को बता दे रहा हूँ जो डल झील है वो जम्मू कश्मीर में है, बुलर झील है वो आप लोगों को जम्मू कश्मीर में मिले, डिंडवाना लेक है जो आप लोगों को ये मिलेगा आप लोगों को राजस्थान राज्य में। तो आप लोगों को पहले से क्लियर है, एडिशनल नॉलेज है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। हमारा जो अगला डिस्कशन या क्वेश्चन है भारत की मिट्टियों से है। जी आप लोग देख सकते हैं कौन सी मिट्टी भारत की सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जी तो आप लोग देख सकते हैं लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो जो आप लोगों को बता दे रहा हूँ इसका जो सही आंसर है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आप लोगों को थोड़ा सा ये डिस्कशन कर देता हूँ। लाल मिट्टी आप लोगों को झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ पार्ट में मिलेगी, कुछ आप लोगों को आंध्र प्रदेश में मिलेगी। काली मिट्टी एक कपास के लिए काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है, और ये आप लोगों को मुख्यतः महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में, गुजरात में, सौराष्ट्र के जो पार्ट है, और उसके बाद आप लोग थोड़ा सा मध्य प्रदेश का हिस्सा मिलेगा जो डेक्कन प्लेटू है उस पर काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के राज्यों में मिलेगी। उसके बाद लैटराइट मिट्टी, जी जहाँ पे सबसे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे आप लोगों को 200 सेंटीमीटर या फिर उससे अधिक बारिश होती है, तो वहाँ पे जो मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट या फिर कह सकते हैं जो न्यूट्रिएंट होता है वो बह के निकल जाता है, तो वहाँ पे जो मिट्टी का फॉर्मेशन होता है वो लैटराइट मिट्टी होती है। ये मुख्यतः केरल और नीलगिरी के पहाड़ियाँ, केरल और पश्चिमी घाट में जो मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे लैटराइट मिट्टी होती है। तो इसका जो सही आंसर है, मतलब सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, वो जलोढ़ मिट्टी है। तो इसका जो सही आंसर है वो जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है किस शहर को,
किस शहर को स्टील ऑफ इंडियाज के नाम से जाना जाता है? किस शहर को स्टील ऑफ इंडियाज के नाम से जाना जाता है? आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, मुंबई, कलकत्ता, कोची, जमशेदपुर। इसका जो सही आंसर है वो है जमशेदपुर। जमशेदपुर को स्टील ऑफ इंडियाज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप लोग बता दे रहा हूँ कि जो मुंबई है भारत की आर्थिक राजधानी है, कोलकाता है इसे महलों का शहर कहा जाता है, आप लोग ये भी जानते हैं। कोची है, इसे अरबियन सागर की रानी कहा जाता है, और इसे भारत का वेनिस भी कहा जाता है। जो इटली में वेनिस खूबसूरत शहर है, उसी तरह कोची भी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत शहर है, उसे भारत का वेनिस भी कहा जाता है, और इसे अरबियन सी की रानी भी कहा जाता है। और जमशेदपुर जो है, जिसे जमशेद जी टाटा ने इसे यहाँ पे अपना पहला कारखाना खोला था, जो स्टील कारखाना था, और यहाँ पे स्टील का उत्पादन होता है, टाटा स्टील इंडस्ट्री यहीं पर है, आप लोग जान सकते हैं। और जमशेद जी के नाम पर ही इसका नाम जमशेदपुर पड़ा है। इसे टाटा नगर भी कहा जाता है, और इसे सिंहभूम भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो है दोस्तों, क्योंकि आप लोग देखते रहिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं है पूरा, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल है। अगर आप लोग बातों को सुनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज मिलेगा। उसके बाद चलिए चलते, समय न गवाते हुए अपने अगले क्वेश्चन, माफ़ करिएगा, क्वेश्चन सब खत्म हो गए हैं, और ये रहा हमारे वीडियो का अंत। थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और उसके बाद कमेंट करके बताएं कि क्या कमी है हमारे अंदर। उसके बाद लाइक करें हमारे वीडियो को, अगर आप लोगों को और अच्छे से वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने उन ज़रूरतमंद दोस्तों को प्रोवाइड करें, जिनके यहाँ कोचिंग संस्थान या फिर कह सकते हैं पढ़ने के लिए कोई मटेरियल नहीं है, तो उनको प्रोवाइड करें। और गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।